हमारा खास बुलेटिन जिसकी शुरुआत करते हैं, देखिए नर्सिंग स्कैम। एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने नर्सिंग स्कैम को जितनी बार टटोला, गड़बड़ियों की उतनी ही परतें नजर आई। जिस तरह से कॉलेजों को मान्यता देने में नियमों को ताक पर रखा गया, जिस तरीके से अपात्र कॉलेजों को जांच में अपात्र बताया गया, जिस तरीके से स्टूडेंट्स की आंखों में धूल झोंकी गई, हमने सब कुछ सामने रखा। और अब जबकि नर्सिंग एजुकेशन का शुद्धिकरण हो रहा है, तो ये मध्य प्रदेश के करोड़ों लोगों के साथ हमारे लिए भी बड़ी बात है। अब मध्य प्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल के एक और रजिस्ट्रार पर गाज गिरी है। आज हम इसी पर बातचीत करेंगे। आप भी हमें कॉल करके अपनी राय रख सकते हैं। अगर आपका कोई सवाल है तो अपना सवाल भी आप हमसे पूछ सकते हैं। तो हमारी टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश होता रहेगा। इस नंबर पर आप बेझिझक कॉल कीजिएगा। हमारे साथ पैनल भी जुड़ेगा, उनसे भी हम इस पर चर्चा करेंगे, उनसे भी आप अपने सवाल यहां पर पूछ सकते हैं। लेकिन चर्चा की शुरुआत हम करेंगे, मेहमानों से भी आपका परिचय कराएंगे, लेकिन उसके पहले जल्दी से एक रिपोर्ट देख लेते हैं शिवपुरी से। नर्सिंग स्टूडेंट्स लगातार परेशानी झेल रहे हैं और वो परेशानी अब एक नई सिरे से शुरू हुई है कि जो कॉलेजों में उनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जमा करा लिए गए हैं, वो डॉक्यूमेंट्स उन्हें वापस नहीं किए जा रहे हैं और इसी वजह से वो लगातार परेशानियों का सामना कर रहे हैं। और एनडीटीवी कंधे से कंधा मिलाकर इन स्टूडेंट्स की न केवल आवाज बना बल्कि अपने समाचार चैनल के माध्यम से सरकार तक ये बात पहुंचाई। अब सरकार हरकत में आई है और लगातार अधिकारियों पर कार्रवाई की जा रही है। एक और तत्कालीन रजिस्ट्रार के खिलाफ कार्रवाई की गई है। हमारे साथ कुछ छात्र हैं, उनसे पूछेंगे कि वो कैसी परेशानियां अनुभव करते हैं। आप नर्सिंग की छात्रा रही हैं, तो आपने क्या क्या एक्सपीरियंस लिया, कितनी परेशानियां आपको महसूस होती हैं? नर्सिंग की छात्रा ने, मैंने बीएससी नर्सिंग की तैयारी करी थी, पिछली फाल भी मैंने एग्जाम दिया था इसके लिए, पिछली फाल का अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया और इस बार भी मैं उसी की प्रिपरेशन कर रही हूँ, लेकिन अभी तक उसके फॉर्म ही भरे नहीं हुए और पिछली फाल इस बार फॉर्म आएंगे उसके पता नहीं कब आएंगे, फरवरी मार्च तक आ जाते हैं और जुलाई तक पेपर हो जाता है उसका, अभी तक ना उसके फॉर्म आए ना पता, कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुई इसके बारे में। अब ये बताइए कि एक समस्या ये भी फेस कर रहे हैं स्टूडेंट्स कि उनके डॉक्यूमेंट रख लिए गए और डॉक्यूमेंट तो स्टूडेंट का अधिकार है, तो फिर? जी, डॉक्यूमेंट स्टूडेंट का अधिकार है, जो उन्हें मिलना चाहिए और एनडीटीवी से हमारी यही उम्मीद है कि हमारी प्रॉब्लम को सिस्टम तक पहुंचाए ताकि हमारी समस्याओं का हल हो सके और हम अपने भविष्य का फ्यूचर तय कर सके। एनडीटीवी ने बहुत मदद की, क्योंकि अगर एनडीटीवी नहीं होती तो हम यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। मेरा मानना ये है कि अगर हमें मान्यता मिली है कॉलेज से, हम क्यों हम कॉलेज में दाखिला लेते हैं कि हमारा प्रोसेस सही हो, हमारा प्रोसेस आगे फ्यूचर बढ़े। हमने नर्सिंग इसलिए लिया था कि हमारा फ्यूचर बढ़े, बट अभी यहाँ पे अगर कुछ दिख ही नहीं रहा है हमको फ्यूचर, ना तो हम बात की कर पा रहे हैं, क्योंकि हमने इसलिए लिया था कि कुछ बन पाए, हमारा कुछ कर पाए। अगर इसमें हमको दिख ही नहीं रहा है कुछ, हमारा तो लॉस हो रहा है ना। सॉल्यूशन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है? हाँ सर, बिल्कुल। अगर हमारी जो बातें हैं वो आज आप उन तक पहुंचा रहे हो, गवर्नमेंट तक, तो इसे हमारा पूरा सपोर्ट हो रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है कि हम अपनी बात रख रहे हैं आपके आगे और आप उन तक पहुंचा रहे हो। उम्मीद करते हैं इसका अच्छा ही रिजल्ट आए। कॉलेज पिछले 3 साल से बंद है, जो प्रॉपर जो डॉक्यूमेंट्स हमारे हैं वो लेने जाते हैं तो मिलती नहीं है, ऐसा बोलते पता नहीं कहीं रख दी होंगी या वो हम बताएंगे आजकल करके रिटर्न कर देते हैं। तो अगर हमारे मेन डॉक्यूमेंट्स भी बाहर रखे तो उनसे कहीं अदर भी ट्राई नहीं कर सकते कि अभी यहाँ का तो कुछ दिख ही नहीं रहा फ्यूचर की अपना क्या है क्या नहीं है। ये भी बता दीजिए कि जैसे एक कार्रवाई पहले हुई कि जब तात्कालिक रजिस्ट्रार को निलंबित किया गया, बर्खास्त किया गया, फिर एक और रजिस्ट्रार को निलंबित कर दिया गया, तो इससे लगता है कि कुछ डर बनेगा, सिस्टम में सुधार आएगा? जी, आप वहाँ तक जी बात को पहुँचा रहे हैं तो जरूर गवर्नमेंट कुछ ना कुछ करेगी स्टूडेंट्स के लिए। नहीं, इनके जो अधिकारी सस्पेंड हुए हैं या बर्खास्त हुए हैं उनसे कोई असर आएगा क्या? जी हाँ, बिल्कुल आएगा, असर आएगा। हाँ, तो उम्मीद छात्र कतरे हैं और ये भी कहते हैं कि एनडीटीवी ने उनका जिस तरह से हाथ थामा है, उन्हें उसने भी एक उम्मीद बंधाई है और निश्चित तौर पर वो सफलता हासिल करेंगे और अपनी समस्याओं से निजात पाकर अपने बेहतर भविष्य की तरफ बढ़ पाएंगे। अपने कैमरा साथी नितिन शर्मा के साथ अतुल गौड़, एनडीटीवी। तो देखिए शिवपुरी से ये आप रिपोर्ट देख रहे थे, हमारे सहयोगी अतुल गौड़ ने बच्चों से बातचीत भी की और देखिए बच्चे यहाँ पर एनडीटीवी का धन्यवाद भी कर रहे थे, क्योंकि देखिए नर्सिंग स्कैम की बात की जाए तो शुरुआत से इस मुद्दे को एनडीटीवी उठा रहा है, क्योंकि ये छात्रों के भविष्य का सवाल है और जब जब इस मुद्दे को हमने उठाया है तब तक देखिए बड़ी कार्रवाई भी देखने को मिली है। और नर्सिंग शिक्षा का शुद्धिकरण हमने इसलिए लिखा है क्योंकि अब तक देखा जाए तो दो बड़ी कार्रवाई यहाँ पर
हो चुकी है। और बिना देर के चर्चा की शुरुआत करते सबसे पहले मेहमानों का परिचय करवा दें। डॉक्टर संजय महेश्वरी जी हमारे साथ जुड़े जो कि मेडिकल डायरेक्टर हैं। उमा वर्मा जी हमारे साथ जुड़ी है, प्रिंसिपल है नर्सिंग कॉलेज की। विशाल बघेल जी भी जुड़ गए हैं जो कि याचिका करता है। तो देखिए चर्चा की शुरुआत करते हैं, सबसे पहले संजय महेश्वरी जी के पास में आना चाहूंगी। संजय जी देखिए अभी बीते कुछ दिनों में हमने देखा है कि नर्सिंग शिक्षा का शुद्धिकरण यानी कि मैं बड़ी कार्रवाई की बात कर रही हूं, दो बड़ी कार्रवाई हुई हाल ही में, एक और तत्कालीन रजिस्ट्रार को यहां पर उनकी सेवा को बर्खास्त कर दिया गया। लेकिन सवाल यह भी है कि जब ये सब कुछ चल रहा था तब जो जिम्मेदार थे उन्होंने ध्यान क्यों नहीं दिया? हेलो कैन यू हियर मी? हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है, क्या मेरी आवाज आपको मिल रही है? बिल्कुल बिल्कुल। नाउ सबसे पहले तो एनडीटीवी का आई वांट टू थैंक एनडीटीवी फॉर इंक्लूडिंग मी इन दिस पैनल। बेसिकली जो विषय आपने रखा है उसको अगर मैं दो लाइन में समराइज करूं कि क्या होना चाहिए, क्या हुआ और क्या आगे का फ्यूचर होगा, तो एक बहुत अच्छा सेइंग है यूनिवर्सिटी साउथ अफ्रीका में, अगर किसी कंट्री को डिस्ट्रॉय करना है, अगर किसी कंट्री को आपको डिस्ट्रॉय करना है तो एटॉमिक बॉम्ब से नहीं, उसकी एजुकेशन सिस्टम पे आप वार करें, एजुकेशन सिस्टम को करप्ट कर दें, एजुकेशन सिस्टम में ऐसी फैलेसीज कर दें, चाहे वो व्यापम हो, चाहे नीट, चाहे नर्सिंग का फर्जीवाड़ा, चाहे लीक एग्जामिनेशंस, और जो भी विषय अभी रिसेंट में चल रहे हैं, जो पास्ट में हुए और कई सालों से चल रहे हैं, ऐसा नहीं कि कई सरकारों से रिलेटेड हैं, कई कई वर्षों से ये चलता हुआ आ रहा है। तो पहले तो जब हम सिस्टम में, एजुकेशन सिस्टम में डिस्ट्रक्शन इन द फॉर्म ऑफ रिजर्वेशंस करेंगे तो उसका नुकसान अच्छे कैंडिडेट्स को होता है और वो ब्रेन ड्रेन के रूप में दिखता है। जो बच्चा यहाँ से अच्छी तरह से बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ के जाता है वो बाहर चला जाता है, चाहे वो नर्सिंग का हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे IITians हो, चाहे IIM। और दूसरा जो है, आप एजुकेशन की पॉलिसी कुछ ऐसी कर दें जिसमें कि सम काइंड ऑफ ए लीक, सम काइंड ऑफ ए एबनॉर्मल क्राइटेरियाज फॉर फॉलोइंग नर्सिंग कॉलेजेस। विषय नर्सिंग कॉलेज का है तो मुझे ऐसा लगता है कि जब नर्सिंग कॉलेजेस के स्टैंडर्ड्स ही नहीं बनाएंगे आप, एक जगह एक गैराज में नर्सिंग होम नर्सिंग कॉलेज चालू होता है और एक जगह 7 मंजिला बिल्डिंग होती है जो कि 5-star फैसिलिटी है, एंड यू एक्सपेक्ट बोथ प्लेसेस कॉमन SOPs, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, कॉमन टीचर्स एंड कॉमन आउटपुट एंड कॉमन इनपुट इन द फॉर्म ऑफ फी स्ट्रक्चर। तो सरकार बोलती है कि भाई फी स्ट्रक्चर आपको 12,000, 15,000, 30,000 इतना ही रखना है, ठीक है हो गया, और चाहते हैं आप 5-star फैसिलिटी एंड नर्सिंग होम के साथ उसको अटैच कर देते हैं जो कि फर्जीवाड़े में दिखा। और इस तरह से कई चीजें चल रही हैं कि एक टीचर 10 जगह पढ़ा रहा है, 10 टीचर को एनरोल कर दिया सभी जगह सभी नर्सिंग कॉलेजेस में। तो मेरे ख्याल से इस पैराडॉक्स में जो डेथ हुई है, जो रियल लॉस हुआ है, वो राइटली स्पीकिंग पहले स्टूडेंट ने जो बताया कि उनका क्या दोष है, वो तो बेचारे छोटे घरों से आते हैं, परिवारों से आते हैं और उनके पेरेंट्स की एक बहुत हाई एम्बिशन होती है, चाहे वो नर्सिंग की हो, चाहे मेडिकल, इंजीनियरिंग, किसी भी। अब इसमें जो मेरा जो मानना है फ्यूचरिस्टिक वे में वो ये है कि इससे रिलेटेड लोग एजुकेशन सिस्टम में रहें पॉलिसी के। जिस दिन सरकारें, जिस दिन IAS ऑफिसर्स, जिस दिन बड़े बड़े पॉलिसी मेकर्स हेल्थ केयर से रिलेटेड नहीं होंगे, ये प्रॉब्लम कभी सॉल्व हो ही नहीं सकती। इट हैज टू हैव पीपल दोज आर इन हेल्थ केयर। आज अगर एक डॉक्टर है और वो नर्सिंग प्रोफेशन की, उसमें एक नर्स जिसने 40 साल अपने गवर्नमेंट सेवा दी है, गवर्नमेंट सर्विसेज में,
वो बता सकती कि क्या प्रॉब्लम जी है संजय जी, गवर्नमेंट के। दोबारा आपके पास लौटूंगी उमा जी का रुख कर लेते हैं। उमा जी, आपको भी पता होगा कि हाल फिलहाल में बड़ी कार्रवाई की गई है, लेकिन अब सवाल ये भी उठता है कि आखिर खामियां कहाँ रह गई, क्योंकि पहले रजिस्ट्रार जिन पर कार्रवाई हुई उनका 1 साल का कार्यकाल था, उसके बाद दूसरी रजिस्ट्रार आती है उनका भी 1 साल का कार्यकाल था, तो आखिर खामियां कहाँ थी जहां पर चूक हो गई और इतना बड़ा स्कैम यहां पर हो गया। रजिस्ट्रार मैडम की तो कोई खामियां नजर नहीं आई हम, क्योंकि हम लोग यहाँ बैठे हैं, डिस्ट्रिक्ट में बैठे हैं, और हम लोगों को जो मान्यता मिली थी उसी के हिसाब से हम लोग कार्य चलाते हैं। हमारे यहाँ अभी बीएससी का एक बैच है, बीएससी नर्स, जिसमें की 6 स्टूडेंट, उनकी प्रॉपर क्लासेस चलती हैं और क्लिनिकल एक्सपीरियंस के लिए भी जाती है, हॉस्पिटल जाती है 4 घंटे का, वहाँ क्लिनिकल लेती हैं, फिर यहाँ से बराबर क्लासेस चलते हैं। और हमारा उद्देश्य यही है कि जो भी बच्चे यहाँ पे आए अच्छे शिक्षा ग्रहण करें, सभी लक्ष्य में प्रैक्टिकल यहाँ करें, फिर वहाँ पे हॉस्पिटल में जाके उसका प्रयोग करें, ये हमारी वो है। और हमारे यहाँ कॉलेज में अभी 18 फैकल्टी पूर्ण हो गई है, जो कि INC के नाम के अनुसार पूरी है। चलिए उमा जी, दोबारा आपके पास लौटेंगे, विशाल जी का भी यहाँ पर रुख कर लेते हैं। विशाल जी, देखिए मामला आपको पता ही है नर्सिंग स्कैम का, जो कि काफी गंभीर मामला भी है, और अब बच्चों के लिए जो सबसे बड़ी चुनौती है वो ये सामने निकल कर आ रही है कि जिन बच्चों ने अपात्र कॉलेज में पढ़ाई की उनके डॉक्यूमेंट सब फंसे हुए, तो कहीं ना कहीं जो छात्र है उनका भविष्य अंधेरे में है। अब इस पर आखिर क्या किया जाना चाहिए ताकि बच्चों का जो भविष्य है वो सुरक्षित रहे। देखिए, जहाँ तक प्रकरण से बच्चों के भविष्य पर पड़ने वाले असर की बात है, तो उनका जो समय खराब हुआ है उसको छोड़ के बाकी सभी चीजें रिपेयरेबल हैं, उनके दस्तावेज दिलाना, उनकी परीक्षाएं दिलाना। या विशाल जी, आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी, एक दर्शक हमारे साथ जुड़े, उनका सवाल ले ले, फिर दोबारा आपके पास लौटूंगी। अनवर जी हमारे साथ जबलपुर से जुड़ गए हैं। अनवर जी, अपना सवाल पूछे या आपकी जो राय है वो अपनी राय रखे। देखिए ऐसा है, आवाज आ रही है आपकी? हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है, अपनी बात रखें। हाँ देखिए, ऐसा है जो रजिस्ट्रार बन के आगे गई थी तो वो सेल्फ जो है अपॉइंटेड नहीं हो सकते, उन्हें किसी न किसी ने तो अपॉइंट किया होगा। अब अगर उनको जो है सेवा की समाप्त कर दी गई तो ये मैटर को क्लोज करना कहा जाता है। भाई उनको किसने अपॉइंट किया? जब वो एलिजिबल नहीं थी तो किसी ना किसी व्यक्ति ने तो किसी स्वार्थ के चलते उनको अपॉइंट किया होगा। तो ये क्या है, एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, संगठित अपराध कहलाता है ये। तो केवल उनको बर्खास्त कर देना समस्या का हल नहीं है। सेकेंडली, जो बच्चों ने अपना समय दिया, पैसा दिया, उनके साथ सरकार को ये चाहिए कि वो बच्चों ने परीक्षा दी है, उनके पेपर अगर सही है तो उन्हें सर्टिफिकेट पास के दिए जाएं, क्योंकि उन्होंने तो पढ़ाई की है और परीक्षा दी है। अगर परीक्षा में आंसर उनके सही है, पता रखते हैं, तो उनको पास के सर्टिफिकेट दिए जाए, ये अलग मैटर है कि उस कॉलेज की मान्यता नहीं थी। लेकिन चलिए अनवर जी, आपने ये जो सवाल उठाया, हमारे साथ जो पैनल जुड़ा उनसे आपका ये सवाल मैं जरूर करूंगी। आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपना सवाल पूछा, राय रखी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। विशाल जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। मैं ये कह रहा था कि बच्चों को जो समय उनका जाया हो गया है वो किसी प्रकार से नहीं लौटाया जा सकता, लेकिन हाँ, जो दूसरे कॉलेजों के बच्चे हैं, अनसुटेबल डिफिशियंट कॉलेजों के, माननीय उच्च न्यायालय ने उन पर मानवीय दृष्टिकोण से विचार करने के बाद ही उनको परीक्षा में बैठाने और उनको आगे सम्मिलित करने के निर्देश दिए हैं। तो कहीं ना कहीं बच्चों का भविष्य जो और खराब हो सकता था उसको जितना हो सके बचाने की कोशिश की गई है। और जिन कॉलेजों ने बच्चों के डॉक्यूमेंट जमा कर रखे हैं या फिर नए मान्यता जिस सत्र की नहीं मिली है उसके एडमिशन देके फीस जमा कर रखी है, उनको भी अगर वो सही फोरम पे शिकायत करें तो उनके डॉक्यूमेंट भी वापस दिलाए जा सकते हैं और उनकी फीस भी वापस दिलाई जा सकती है। जो बच्चा चाहे हमसे भी संपर्क कर सकता है, हम भी उसको कोर्ट के माध्यम से जो प्रकरण चल रहा है जो मदद हम कर सकते हैं वो करेंगे। सवाल ये उठता है कि जो शुद्धिकरण, क्या वास्तव में सिर्फ 2 महिला अधिकारियों की जिनकी भूमिका छोटी सी थी उनको बर्खास्त कर देने से क्या उसको शुद्धिकरण माना जा सकता है? अभी भी सरकार ने जो नए नियम बनाए हैं उन नए नियमों में उन्हें जो
प्रावधानों को पूर्व की तुलना में कमतर करके रखा है, ये दर्शाता है कि इनकी दूरदृष्टिता क्या देखना चाह रही है या क्या बिल्कुल हासिल करना चाह रही है। तो मेरे हिसाब से शुद्धिकरण जब होगा, जब इसके नियमों में चेंज आए, जहां जहां हमने इसके ड्रॉबैक बताए थे, फ्लॉज बताए थे, उनमें चीजें ठीक की जाए और जो जो गड़बड़ियां जिनके जिनके स्तर से हुई हैं उन अधिकारियों को सजा दी जाए। एक उदाहरण देना चाहता हूं, एक 100 बेड का अस्पताल की आवश्यकता होती है नर्सिंग कॉलेज को खोलने के लिए, एक जिले का सीएमएचओ ही 100 बेड के अस्पताल को मान्यता देता है, तो बिल्कुल आधी रात को जिले के सीएमएचओ ने उस अस्पताल को 100 बेड का कर दिया, वहीं पर जाकर के नर्सिंग काउंसिल के इंस्पेक्टरों ने उसको 100 बेड का दिखा करके और नर्सिंग कॉलेज को मान्यता दे दी, तो उन जिले के सीएमएचओ को जिन्होंने उन अस्पतालों को जो 4 पलंग के थे या जो थे ही नहीं उनको 100 100 बेड का दिखाया अपनी कलम से अपने साइन से, उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और जिन दोनों रजिस्ट्रारों को बर्खास्त किया गया है इनको सिर्फ छोटी छोटी चार्जशीट दी गई है, एक चंद्रकला देवगैया जी को सिर्फ 9 कॉलेजों के मामले में चार्जशीट दी गई है और जो श्रीमती सीजू है इनको 5-7 कॉलेजों के मामले में चार्जशीट दी गई है। लेकिन इसके विपरीत देवगैया जी के कार्यकाल में 220 नए नर्सिंग कॉलेज खोले थे, वहीं सीजू जी के कार्यकाल में 49 नए कॉलेज खोले थे। तो इसकी जांच के बाद और बिल्कुल ये भी एक जांच का विषय है, बिल्कुल सही कहा आपने यहाँ पर विशाल जी। दोबारा मैं आपके पास लौटूंगी, जल्दी से आपको एक रिपोर्ट दिखा देते सतना से हमारे सहयोगी ज्ञान शुक्ला की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में नर्सिंग घोटाले को लेकर तमाम परतें रोज खुलती जा रही हैं, तमाम कार्रवाइयां हो रही हैं, लगातार निलंबन की कार्रवाइयां हो रही हैं, लेकिन इसका प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं चिकित्सा पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। हमारे साथ हैं सतना में इंडिकल मेडिकल एसोसिएशन के स्थानीय निकाय के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश अग्रवाल जी। सर, ये जिस प्रकार का ये कांड चल रहा है, जिस प्रकार का स्कैम है, इसका मेडिकल पर कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है? निश्चित तौर पे नर्सिंग मध्य प्रदेश में जो नर्सिंग घोटाला अभी सामने आया है और विगत काफ़ी दिनों से चला आ रहा है, ये हमारी व्यवस्था पर प्रश्नचिन्ह लगा रहा है। और इसका सबसे दुर्भाग्यपूर्ण पहलू यह है कि जिन बच्चों ने नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन ले लिया था, यदि वो नर्सिंग कॉलेज किसी भी वजह से, गुणवत्ता की वजह से बंद हुए हैं या किसी भी अनियमितता की वजह से बंद हुए हैं, तो जो वास्तव में बच्चे थे जिनको एजुकेशन मिलना चाहिए था, उस एजुकेशन पे उनका प्रश्न चिन्ह लग गया कि उन बच्चों को कहाँ फिर आगे वो मिले। और दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात है, यदि नर्सिंग कॉलेजेस में गुणवत्ता नहीं होगी, वहाँ पढ़ाई का स्तर प्रॉपर नहीं होगा, तो ऐसे बच्चे जब हम प्रोफेशन में आएंगे, चिकित्सा सेवा में आएंगे, तो आप स्वयं सोचिए कि इनका जब नॉलेज नहीं होगा तो क्या ये वर्क कर पाएंगे। चिकित्सीय सेवा निश्चित तौर पे यदि हम बात करें तो पैरामेडिकल स्टाफ पर पूरी तरह डिपेंडेंट करती है। 23 आवर्स यदि दिन की बात करें तो पैरामेडिकल स्टाफ ही पूरी चीज़ें जो डॉक्टर कहता है, जो डॉक्टर फॉलो कर एडवाइस देता है, उसको इम्प्लीमेंटेशन नर्सिंग स्टाफ के ऊपर डिपेंड करता है। बिल्कुल, यदि नर्सिंग स्टाफ क्वालिफाइड नहीं है, समझ नहीं सकता, उनकी शिक्षा गुणवत्ता नहीं है, तो उनका पैरामेडिकल स्टाफ का जो केयर है, जो पेशेंट की केयर है, वो निश्चित तौर पर अफेक्ट होगी। और यह एक चिकित्सा कार्य में, चिकित्सा की सेवा में और चिकित्सा की क्वालिटी में निश्चित तौर पर बहुत बड़ा फर्क आएगा। और एक ऐसे प्रोफेशन जहां जीवन और मृत्यु का संबंध सीधा होता है, और उसमें यदि क्वालिटी नहीं होगी तो गुणवत्ता नहीं होगी, तो निश्चित तौर पर यह हमारे चिकित्सा पेशे के लिए दुर्भाग्यपूर्ण होगा। और इस चीज़ को हमको यथासंभव जितना जल्दी हो सके क्लियर करना चाहिए इस प्रशासन को, और एक गुणवत्ता युक्त जो है नर्सिंग सेवा, नर्सिंग चिकित्सा, नर्सिंग शिक्षा सभी बच्चों को मिलना चाहिए। क्योंकि हम देख रहे हैं कि निश्चित तौर पे इस तरह के फर्जीवाड़ा हमारे समाज के लिए, हमारे प्रशासन, हमारे व्यवस्था के लिए प्रश्नचिन्ह बना रहा है। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से, मतलब जिस प्रकार से जो चिकित्सा शिक्षा है, चिकित्सा शिक्षा है, उसमें नर्सिंग का जो महत्व है, आप स्वयं भी सर एक यहाँ मतलब मेडिकल फैटर्निटी में एक सीनियर डॉक्टर हैं, आप चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, हॉस्पिटल भी आप रन करते हैं, तो आप इस प्रकार की समस्याओं को मतलब आपको दिखता है कई बार कि जब अच्छे स्टूडेंट्स नहीं आते हैं तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि इससे बहुत ज़्यादा चीज़ें प्रभावित हो रही हैं। कई बार हम लोगों ने देखा है कि उनके पास, बच्चों के पास, नर्सिंग स्टूडेंट्स के पास डिग्री हो गई है, और यदि हम उनसे सिंपल बात करें कि टेम्परेचर क्या होता है, पल्स क्या होती है, पल्स की वैरायटी क्या होती है, बीपी में नॉर्मल बीपी क्या होता है, कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो बच्चे नहीं बता पा रहे हैं, तो यह एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और इसमें प्रशासन को सख्त नियम करके और चिकित्सा, जो नर्सिंग चिकित्सा है उसकी शिक्षा, एनडीटीवी एक कैंपेन चला रही लगातार कि चिकित्सा नर्सिंग की शुद्धता के ऊपर के लिए
व्यक्ति कहीं ना कहीं एक फेयर ट्रायल होनी चाहिए, जिसमें जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं उनके साथ इनजस्टिस ना हो, और जो गलत कॉलेजेस हैं कहीं ना कहीं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई हो, जिससे कि सही स्टूडेंट्स निकल के बाहर आएँ और मेडिकल फ्रेटर्निटी कहीं ना कहीं सही तरीके से चल सके। पूरी चिकित्सा के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। अभी नर्सिंग के बारे में तो चीज़ें आ ही रही हैं, अभी आपने देखा है कि जो है नीट एग्जाम, जो यूजी एग्जाम हुआ है, उसमें भी फर्जीवाड़ा सामने आया है। यदि पैरामेडिकल स्टाफ, डॉक्टर्स यदि प्रॉपर क्वालिफाइड नहीं होंगे, प्रॉपर चिकित्सा नहीं मिलेगी, और ये हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जो अच्छे बच्चे हैं उनको वो सफर कर रहे हैं, और जो फर्जीवाड़ा से आ रहे हैं वो पूरी व्यवस्था को चरमरा रहे हैं। तो ये चीज़ें बिल्कुल रोकी जानी चाहिए, सख्त कदम उठाने चाहिए, और ऐसी चीज़ें भविष्य में ना होने पाएँ, ये हम सबका प्रशासन का दायित्व है। ये है सतना से IMA प्रेसिडेंट डॉक्टर राकेश अग्रवाल, जिन्होंने नर्सिंग चिकित्सा के ऊपर बड़ी ही बेबाकी से बात की और शुद्धता की बात करी, और उन्होंने निष्पक्षता की बात की कि क्वालिटी एजुकेशन होना चाहिए और अच्छे स्टूडेंट्स बाहर आने चाहिए। सतना से ज्ञान शुक्ला, NDTV के लिए। तो चलिए, सतना से आपने हमारी रिपोर्ट तो देख ली, मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए संजय जी। नर्सिंग कॉलेज की मैं बात करूं या नर्सिंग शिक्षा की मैं बात करूं, इसका भविष्य कहीं ना कहीं इसको लेकर थोड़ी सी चिंता हो रही, किस तरह के बदलाव की जरूरत आप इसमें देखते हैं? देखिए ऐसा है, मैं प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में हूं, MP बिरला ग्रुप का डायरेक्टर हूं, आई रन नियरली 8 हॉस्पिटल एज मेडिकल डायरेक्टर, एंड काफ़ी लंबे समय से मैं इसमें हूँ, और करीब 40 साल से मैं मध्य प्रदेश की हेल्थ केयर का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रूरल हेल्थ केयर में रहा, तो मुझे इस चीज़ में कोई गुरेज नहीं है, और मैं बड़े फ्रैंकली हर फोरम पे उस बात को रखता हूँ कि एजुकेशन व्हेन इट गोज इन द हैंड्स ऑफ वेरी पावरफुल पीपल, जब शक्तिमान लोगों के हाथ में चला जाएगा, एजुकेशन बनाने वाले, एजुकेशन को चलाने वाले, और एजुकेशन नर्सिंग मेडिकल कॉलेज, तो हम शुद्धिकरण एक हमारे लिए एक मोर ऑफ ए बैंडेड और लिपस्टिक अरेंजमेंट, इट कैन नॉट बी करेक्टेड बिकॉज दे आर पार्ट ऑफ ए वेरी हायर एंड ए वेरी स्ट्रॉन्ग सिस्टम। आप महाराष्ट्र में देखिए, कर्नाटकल कॉलेजेस हैं, एक एक जगह पे चार चार मेडिकल कॉलेज हैं प्राइवेट, हाउ कैन यू एक्सपेक्ट? तो सेम थिंग इज इन नर्सिंग कॉलेजेस, पीपल हैव मेड नर्सिंग कॉलेज फ्रॉम गैरेज, कोई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, कोई गाइडलाइन, एंड तो बिल्कुल गाइडलाइन का आप जिक्र कर रहे थे संजय जी, बिल्कुल इसके लिए एक गाइडलाइन भी होनी चाहिए। दोबारा आपके पास लौटूंगी, जल्दी से उमा जी का रुख कर लेते। उमा जी देखिए, पात्र जो नर्सिंग कॉलेज है, कहीं ना कहीं ये जो मामला सामने निकल कर आया है, जो छात्र अब नर्सिंग में जाना चाहते हैं, पात्र नर्सिंग कॉलेज में भी कहीं ना कहीं जब वो एडमिशन लेने के लिए जाएंगे तो भरोसा मुश्किल उनके लिए होगा करना। उमा जी उमा जी, क्या सवाल आप मेरा सुन पाए? उमा जी, मैं ये कह रही थी कि जो बच्चे नर्सिंग में अपना भविष्य देखते हैं और जब एडमिशन लेने के लिए जाएंगे, जो ये मामला सामने निकल कर आया, जाहिर सी बात है कि पात्र कॉलेजों में भी एडमिशन लेने के लिए बच्चों का जो भरोसा है वो कहीं ना कहीं डगमगाएगा। जी मैम, जी कॉलेज आईएनसी के नाम के अनुसार सारी व्यवस्थाएं होनी चाहिए, वहीं के छात्रों को एडमिशन लेना चाहिए मैडम। देखिए वहां पे प्रॉपर फैकल्टी पढ़ाई कर सके, हम जैसे गवर्नमेंट हमारे कॉलेज में सभी MSc स्टाफ कंप्लीट हो गए हैं अभी तक, ऐसे सभी जगह होना चाहिए। प्राइवेट कॉलेजों में रहती है फैकल्टी, सभी जगह रहती है, लेकिन IMC के नार्म के अनुसार कहीं कहीं पूरा नहीं हो पाता है। तो बिल्कुल जो मापदंड होते हैं पात्र कॉलेजों के वो होने चाहिए, और तभी शायद बच्चे भरोसा भी कर पाएंगे और एडमिशन लेंगे। विशाल जी का जल्दी से रुख कर लेते हैं। विशाल जी देखिए, जिम्मेदारी यहाँ पर लेनी होगी, क्योंकि ये जो मामला सामने निकल कर आया है, जाहिर सी बात है कि इसने नर्सिंग शिक्षा की बात की जाए, इस पर बड़े सवाल खड़े किए हैं, इसके भविष्य को लेकर बड़े सवाल किए, और जो घोटाले की जाँच हो रही थी उसमें ही घोटाला यहाँ पर देखने को मिला। हम तो ये कहते हैं कि 2 साल से इस मामले को कोर्ट में लड़ रहे हैं,
हजारों लाखों दस्तावेजों का अध्ययन किया, उसके बाद सभी पे आरोप प्रमाणित हो रहे हैं और उन पे कार्रवाइयां चल रही हैं। अब पुराने लोगों को दंड देने की कार्यवाही और नई आगे की व्यवस्था को सुधार करने की कार्यवाही, ये समानांतर चल सकती है। हम इस पे सभी सुझाव भी माननीय न्यायालय में सरकार को दे चुके हैं। हमारा कहना सिर्फ ये है कि अब ये चीजें दोबारा ना हो, इसके लिए नियम में पुख्ता प्रावधान किए जाए। हमने इस संबंध में सभी आवश्यक सुधार के सुझाव दे दिए हैं कि कौन कौन से आवश्यक हैं। और दूसरी ओर जिनको जो छोटे से लेके बड़े स्तर तक के जो भी अधिकारी इसमें पूर्व में मिली भगत में थे, क्योंकि पूर्व भूतपूर्व डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन जैसे वरिष्ठ स्तर के अधिकारी तक के फर्जी कॉलेज होना पाए गए हैं, इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये रैकेट या ये स्कैम किसी एक व्यक्ति द्वारा नहीं चलाया जा रहा था, ये पूरे सिस्टम और पूरी व्यवस्था द्वारा चलाया जा रहा था। तो इन सभी को दंड हमको समानांतर देना पड़ेगा और नए सुधारों के लिए भी समानांतर प्रयास करना पड़ेगा, और हमसे जो इसमें शासन सहयोग अपेक्षा करेगा हम बिल्कुल उपलब्ध कराएंगे। चलिए एबी जसूजा जी हमारे साथ एक और नए मेहमान जुड़ गए हैं, सर स्वागत है आपका। और समय हमारे पास थोड़ा सा कम है, इसे जल्दी से आपसे सवाल करूंगी। जसूजा जी देखिए, सुधार को लेकर हम बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि ये देखिए जो रजिस्ट्रारों पर गाज गिरी है, कहीं ना कहीं मिली भगत तो रही होगी, और इसमें आने वाले दिनों में और भी ज्यादा सुधार की जरूरत है। निसंदेह रितु जी, जो मैं अभी देख पा रहा हूँ, जो जिस लेवल पर रजिस्ट्रार करनी चाहिए ऑब्जर्वेशन उस लेवल पर थोड़ी सी नहीं हो पाई है। मेरा यही कहना है कि अगर हम अच्छा स्किल्ड मैन पावर नर्सिंग के फील्ड में नहीं क्रिएट कर पाएंगे तो सुनर और लेटर उसका खामियाजा स्टेट्स और कंट्री। रही बात मापदंडों की, जो INC है उसकी रेगुलेटरी की जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो PCPNDT की गाइडलाइंस हैं, जो इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड है, इंफ्रास्ट्रक्चर या ऐसी कई जो नियम हैं जिन INC में उसकी है इंश्योर किया जाना चाहिए। और इसमें एक चीज ये भी होनी चाहिए कि जो कमेटी इंस्टीट्यूट की जाती है उसमें INC के अलावा हेल्थ केयर सेक्टर से भी आना चाहिए, जो हायर लेवल पे कमेटीज बनती बनते हैं या इस तरह के इंस्पेक्शन किए जाते हैं, उस कमेटी को बड़ा सोच समझ कर बनाया जाना चाहिए। अदरवाइज इस तरह के कुल समय देखने देंगे, जैसा कि डायरेक्टर साहब ने भी बताया, जो नर्सिंग कॉलेजेस हैं अगर हम वाइज करें स्टैंडर्ड्स तो वो हमारी सोसाइटी के लिए बेहतर है। और मेडिकल एजुकेशन जो एक सोशल मास से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, इसमें खास तौर से हमें ध्यान रखना चाहिए। जी जसूजा जी, तो चलिए समय यहाँ पर कम है, आपसे और भी सवाल में करती है और आपके जवाब भी हम सुनते हैं यहाँ पर। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। संजय जी हमारे साथ जुड़े थे, उमा जी जुड़ी थी, विशाल जी जुड़े, और साथ ही साथ एनडी जसूजा जी हमारे साथ जुड़े थे। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए चर्चा में। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों की लगातार अपडेट्स के लिए बने रही NDTV मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।